अक्सर लोग जो मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पर वर्क परमिट कैसे लिया जाए, जॉब कैसे ढूंढी जाए या वीज़ा कैसे खरीदा जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मौज़म, योर फ्रेंड इन चाइना। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी होने वाली है ये, क्योंकि आज जो है मैं अपना पासपोर्ट रिसीव करने जा रहा हूँ, जिस पर होपफुली जो है सेकेंड ईयर का रेसिडेंस परमिट लग गया होगा और वर्क परमिट भी मुझे आज ही रिसीव करना है। तो अभी मैं अपने ऑफिस में हूँ और यहाँ पर अभी लंच ब्रेक हुआ है, तो मैंने सोचा करीब ही है तो मैंने सोचा अभी जाकर मैं रिसीव करता हूँ। और आपको मैं आज सारा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, मैंने किस तरह अप्लाई किया, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थी, और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सारा प्रोसीजर बताता हूँ कि ये प्रोसेस किस तरह चला। सबसे पहले देखें, कंपनी की रजामंदी चाहिए होती है कि अब आपको कंटिन्यू हायर कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तकरीबन 2 हफ्ते पहले। वैसे ये प्रोसेस जो है, जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है उससे 3 महीने पहले जो है आप ये स्टार्ट कर सकते हैं ये प्रोसीजर। तो सबसे पहले कंपनी की जो एचआर है उसने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पोर्टल होता है वहाँ पर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डाली और रिक्वेस्ट डाली कि जो है मुझे जो वीज़ा है वो कंटिन्यू करना है अपना वर्क परमिट। तो उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं और फिर जो कुंगान छुरूचिंग है, जो यहाँ के ब्यूरो है, वो जो है उसे अप्रूव करता है, चेक करता है। अप्रूव होने के बाद आपको वापस से ऑफलाइन आना पड़ता है अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, और फिर वो यहाँ पर सबमिट होते हैं और उसके बाद जो है आपको दोबारा 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। अच्छा, इसमें जो है सेकंड टाइम में मुझसे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए थे, जैसे एजुकेशनल और फिजिकल टेस्ट, एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें, चाइनीज़ टेस्ट, मुझसे कुछ भी नहीं मांगा इन्होंने। हाँ, कंपनी से इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे कि भाई इसे क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स है, ये क्या करेगा, ये बंदा क्यों हायर कर रहे हैं, वो सारी कंपनी की थी। तो मेरे पास तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देने थे। कंपनी ने प्रिपेयर करने थे, उन्होंने उनको सबमिट दिए और मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी। तो ये था सारा प्रोसीजर, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सेकंड टाइम में बहुत ही इजी रहा। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ अपना पासपोर्ट रिसीव करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप ये देना चाहूँगा कि जब आप भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो सेकंड ईयर के लिए स्पेशली, तो उसमें जो है आप सेकंड ईयर में 364 डेज के लिए अप्लाई करें, यानी आप 1 साल के लिए होता है जो कंटिन्यू करते हैं आप अपना रेजिडेंस परमिट, लेकिन उसे 1 साल से 1 दिन कम कर दें, 364 डेज कर दें, 363 डेज कर दें। इससे होगा ये कि जो फीस आपको पे करनी होगी वो हाफ करनी होगी। नॉर्मली 1 साल की 800 होती है और 1 साल से कम की 400 होती है, तो अगर आप 364 डेज करेंगे तो 1 साल से कम ही है ना, तो उस वक्त आपकी 400 जो है आपको फीस पे करनी होती है, अदरवाइज आपको 800 पे करनी होती है। तो ये एक थोड़ी सी टिप है। और ये देखें, ये हम पहुंच गए कुंगान छुरूचिंग, और आसान अल्फाजों में से कहते हैं फॉरनर्स का कॉमन ससुराल, क्योंकि यहाँ पे फॉरनर्स के चक्कर बहुत ज्यादा लगते हैं आपके टैक्स से रिलेटेड और सोशल इंश्योरेंस, पुलिस सर्टिफिकेट, वीज़ा, रेजिडेंस परमिट, वर्क परमिट, सारे काम आपके यहीं से होते हैं, तो चक्कर बहुत ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर। तो अभी बस अंदर चलते हैं। अच्छा, अब चीज़ें भी काफ़ी आसान हो गई हैं। अभी मैंने ये गाइड बुक रिसीव की है काउंटर से, तो इस पर बिल्कुल कंप्लीट गाइडेंस है आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड क्या करना है। और इसके अलावा जब आप वर्क परमिट रिसीव कर लेते हैं, आपको पुलिस स्टेशन जाना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे जो है मेरा पासपोर्ट और वर्क परमिट दोनों मिल गए, और यहाँ पर मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी देना चाहूँगा। अक्सर लोग जो मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पर वर्क परमिट कैसे लिया जाए, जॉब कैसे ढूंढी जाए या वीज़ा कैसे खरीदा जाए, तो देखें सबसे पहले वर्क परमिट लेने के 2 तरीके हैं। या तो आप जॉब ढूंढ लें सबसे पहले चाइना में कोई कंपनी जो आपको जॉब दे रही हो, हायर कर रही हो, और वो आपका नॉर्मल तरीका ये है कि वो आपको वर्क परमिट भी दे रही हो, वो लीगली आपको हायर कर रही हो और वीज़ा भी दे रही हो। अब दूसरे केस में ये होता है कि अक्सर आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है लेकिन कंपनी जो है आपको वीज़ा नहीं दे रही होती है, वो कहती है कि भाई हम आपको वीज़ा नहीं देंगे, आपके पास अपना वीज़ा है तो ठीक है, और उससे आके आप यहाँ पर हमें जॉब कर लें, तो वो इस वजह से नहीं देती। अक्सर कंपनीज जो है वो टैक्स बचाना चाहती हैं, आपके लिए टैक्स पे नहीं करना चाहती, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि अक्सर जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है एम्प्लॉयर की जब वो किसी को हायर करती हैं, और तो उस वजह से वो बचना चाह रही होती हैं। तो अक्सर जो है फिर लोग जो है वीज़ा ख़रीदने की कोशिश करते हैं, वो किसी और कंपनी से वीज़ा खरीदते हैं पैसे देकर, और वो कंपनी उन्हें वीज़ा अपने अपने प्रोफाइल पर देती है और फिर जो है वो कहीं और जाकर जॉब करते हैं। अच्छा, जो दूसरा तरीका है कि आप किसी और कंपनी से वीज़ा ले लें और कहीं और जाकर जॉब कर लें, वो इतना रिकमेंडेड नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि देखें इस पर QR कोड होता है इस तरीके का कार्ड पर ना, और उस पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो लेट्स से कि अगर आपने किसी और सिटी से वीज़ा लिया है, चंगदू से या सिचुआन से किसी से, और फिर आप जॉब आके बीजिंग में कर रहे हैं, तो फिर जब इस पुलिस स्टेशन जाएंगे, जाहिर है आप बीजिंग में रहेंगे जब आप जॉब यहाँ कर रहे हैं, तो वो पुलिस वाले जब आपका कार्ड पे जो इस QR कोड होता है उसे स्कैन करते हैं, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और फिर वो आपसे 10 किस्म के सवाल पूछते हैं, फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि भाई आप रहते, आपकी जॉब वहाँ पर है,
कंपनी ने आपको वहाँ का वीज़ा दिया हुआ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर वो बहुत सारे, और फिर जाहिर है आप जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो वो लीगल भी नहीं होता, क्योंकि कंपनी, क्योंकि इस कार्ड पे सब कुछ लिखा हुआ होता है कि आपको किस कंपनी ने हायर किया है, किस जॉब के लिए हायर किया है। तो जब वो देखेंगे कि आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और फॉर सपोज लेट्स से कि उस कंपनी में किसी दिन पुलिस आई चेक करने के लिए सब कुछ, और आप वहाँ पर जॉब कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो लोग कर रहे हैं ये वाले तरीके से भी कि किसी और कंपनी से वीज़ा ख़रीदा और फिर जो है कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, थोड़ा सा रिस्की है। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक, और होप कि आपने कुछ इससे लर्न किया हो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिली हो, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।